बाज पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता, अपने शानो शौकत और स्वाभिमान के लिए वह अनंत पीड़ा भी सहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 70 साल की उम्र होती है बाज की, लेकिन इसके जीवन में कठिन मोड़ तब आता है जब यह 40 साल का हो चुका होता है। उम्र के इस पड़ाव में इसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफ़ी लचीली हो जाती है, जिसकी वजह से वह शिकार नहीं कर पाता है। दूसरा, इसके पंख काफ़ी भारी हो जाते हैं कि ये उसकी छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उसे उड़ने में तकलीफ होती है। तीसरी बड़ी समस्या, जिससे ये झपटा मारता है, उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसको फैसला करना होता है कि ये 40 साल में ही मर जाए, क्योंकि यह उड़ नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता, पंख भारी हो गए, उड़ने में दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि नाखून खराब हो गए, और जिस चोंच से वह मजबूती के साथ शिकार पकड़ता है वह भी कमज़ोर हो गए हैं। अब क्या करे, 40 की उम्र में ही जीवन खत्म कर दे? अब उस 40 की उम्र में वह बाज मरने का फैसला कर सकता है, पर बाज ऐसा फैसला नहीं लेता। उम्र के इस पड़ाव में बाज अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपने चोंच को पत्थर मार मार के लहू लुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अनंत पीड़ा से कराह रहा होता है, पर वह पीड़ा सहता है और अंत में अपने चोंच तोड़ देता है। यही काम वह अपने पैर के नाखूनों के साथ भी करता है और अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। अंततः बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति उसे उसके चोंच और नाखून फिर से वरदान के रूप में वापस दे देती है। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। अब बारी उसके पंखों की होती है। अपने नए चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर अपने शरीर से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी कि कोई दूसरा जीव अपने प्राण त्याग दे, पर इतनी पीड़ा ना सहे। पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए वह सब सहता है। तकरीबन 6 महीने बाद उसे नए पंख के समान एक नया जीवन मिलता है और फिर वह अपनी बाकी ज़िंदगी को दोबारा उसी शानो शौकत और अंदाज में 30 साल और जीता है। दोस्तों, बाज की इस नई ज़िंदगी से हमें भी यही सीख मिलती है कि हम भी अपनी ज़िंदगी को दोबारा नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि अरे मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी तो आधी से ज़्यादा उम्र खत्म हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस मानसिकता को ख़त्म करिए। सफलता कभी भी हासिल की जा सकती है, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो। इसलिए मत रुक तू ऐ मुसाफिर उम्र के किसी भी पड़ाव में, हौसलों को क्या पता कि तेरी उम्र क्या है। सो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें, और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।